इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी वन प्लस की मोबाइल फोन में एक सेटिंग्स मिल रहा है हाइड गेस्चर गाइड बार का, तो ये सेटिंग्स क्या होता है और आप इसको कैसे इनेबल डिसेबल करके इसका यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ों से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसके लिए आपको वन प्लस फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर मिलता है एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आप करेंगे क्लिक और इसमें सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हाइड गेस्चर गाइड बार का ऑप्शन तब मिलेगा जब आपका फोन गेस्चर मोड में सिलेक्ट होगा, मतलब जब आपका फोन में यहाँ पर बैक, होम और टास्क तीनों में से कोई भी बटन नहीं होगा, मतलब बिना नेविगेशन बटन के आप अपने फोन को यूज कर रहे होंगे, तब आपको ये हाइड गेस्चर गाइड बार का ऑप्शन मिलेगा। अगर बटन सेलेक्ट होगा तो आपके फोन में दोस्तों यहाँ पर तीनों बटन आ जाएगा जिससे आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए बटन सेलेक्ट है तो आपको ऐसे गेस्चर सेलेक्ट कर देना है। अब मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आप गेस्चर सेलेक्ट कर देंगे तो फिर फोन को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि गेस्चर सेलेक्ट करने पर यहाँ से तीनों बटन हट जाता है। तो दोस्तों देखिए, गेस्चर मोड में फोन को यूज करने के लिए बैक करना है तो आपको लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से फिंगर को इस तरीके से स्लाइड करके लाना है दोस्तों बीच में, तो आप बैक हो जाएंगे। और अगर आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो दोस्तों देखिए नीचे दोस्तों यहां पर एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इस लाइन पर फिंगर को टच करके आपको दोस्तों एक झटके में ऊपर की ओर देना है स्वाइप कर, तो आप डायरेक्ट जो है होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अगर आपको टास्क बार खोलना है, बैकग्राउंड है, तो दोस्तों इस लाइन पर आपको फिंगर को टच करके हल्का हल्का ले जाना है ऊपर की ओर, और फिर आपका टास्क बार आ जाए तो आपको फिंगर को हटा देना है तो टास्क बार ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है गेस्चर मोड में फोन को यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड गेस्चर गाइड बार का। तो दोस्तों ये हाइड गेस्चर गाइड बार, ये सेटिंग्स होता है इस लाइन के लिए। गेस्चर को सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर एक लाइन आ जाता है, तो जब आप इस सेटिंग्स को इनेबल कर देंगे तो ये लाइन आपका हाइड हो जाएगा जिससे आप जो है फोन को बैक करते हैं या कट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके देता हूँ ऑन कर। अब आप देख सकते हैं गेस्चर गाइड बार का लाइन हाइड हो गया, पर दोस्तों लाइन हाइड होने से कोई भी फर्क दोस्तों नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप यहाँ से फिंगर को टच करके ऊपर की ओर एक झटके में स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर आप धीरे धीरे टच करके ऊपर ले जाएंगे तो आपका टास्क बार खुलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों गेस्चर हाइड गेस्चर गाइड बार सेटिंग्स को ऑन करके यूज कर सकते हैं। बंद कर देंगे तो फिर से आपका वो लाइन आ जाएगा।